यही दोस्तों, मैं रजत शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की शान और इंडियन रेलवे की जान, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 50 से ज़्यादा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को उद्घाटन करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किन 10 नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब फर्राटा भरने वाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या अब 50 से ज़्यादा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। इन्हें पिछली ट्रेनों के शुरू होने के 2 महीने बाद हरी झंडी दिखाई जा रही है। नई ट्रेनें देश भर के अलग अलग रूटों पर चलेंगी। इनमें लखनऊ देहरादून, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापट्टनम, कलबुर्गी बेंगलुरु, रांची वाराणसी और खुजराव दिल्ली शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्रालय अहमदाबाद मुंबई, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और मैसूरू चेन्नई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का दूसरा सेट शुरू करेगा। दोस्तों 4 मौजूदा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट बढ़ाए जाएंगे। अहमदाबाद जामनगर ट्रेन अब द्वारका तक जाएगी, अजमेर दिल्ली ट्रेन चंडीगढ़ तक चलेगी, गोरखपुर लखनऊ ट्रेन अब प्रयागराज तक जाएगी, तिरुवनंतपुरम कासगर रोड ट्रेन मंगलुरु तक जाएगी। ये ट्रेनें राज्यों में ब्रॉड गेज विद्युतीकरण नेटवर्क पर चलती हैं। दोस्तों दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया था। इनमें कटरा और नई दिल्ली के बीच दूसरी ट्रेन भी शामिल थी। अन्य नई ट्रेनें जो शुरू की गई थी वो थी अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु, मैंगलोर मडगांव, जालना मुंबई और अयोध्या दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली और वाराणसी के बीच एक दूसरी ट्रेन का उद्घाटन दिसंबर 2023 में किया गया था। दोस्तों इन नए उद्घाटनों के साथ भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या 51 हो जाएगी। ये 45 रूट पर चलेंगी। विशेष रूप से 6 रूटों पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एक ही डेस्टिनेशन के बीच चलेंगी। इसमें दिल्ली कटरा, दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, मैसूरू चेन्नई और कासगर रोड तिरुवनंतपुरम शामिल है। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद रूटों पर भी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। दोस्तों दिल्ली में है सबसे ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कनेक्टिविटी। दिल्ली में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुल 51 ट्रेनों में से 10 ट्रेनों का अंतिम डेस्टिनेशन दिल्ली ही है। वर्तमान में दिल्ली से देहरादून, अम्बंदौरा, भोपाल, अयोध्या और अमृतसर के लिए सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। मंगलवार से खुजराव को भी इस सूची में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए 2-2 ट्रेनें चलती हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली से खुजराव जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट के बारे में। दोस्तों नई दिल्ली से खुजराव जा रहे सैलानियों के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को एक साथ 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसमें खुजराव से दिल्ली के लिए हजरत निजामुद्दीन से के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जाने वाले हैं। दोस्तों इस ट्रेन का ट्रेन नंबर होगा 22470 निजामुद्दीन खुजराव वंदे भारत एक्सप्रेस। सुबह 6 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकलकर दोपहर 2:20 पर यह ट्रेन खुजराव पहुंचेगी। वहीं वापसी में इस ट्रेन का ट्रेन नंबर होगा 22469 खुजराव निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। दोपहर 2:50 पर खुलकर यह ट्रेन रात 11:10 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुँचेगी। दोस्तों दिल्ली से खुजराव के बीच शायद अपने ये इनॉग्रल रन पर यह ट्रेन छतरपुर, टिकमगढ़, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, ढोलपुर, आगरा और पलवल पर रुकेगी। दोस्तों दिल्ली से खुजराव के बीच चलने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 659 किलोमीटर का सफर 8 घंटे और 20 मिनट में पूरा करेगी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 13 मार्च 2024 से शुरू होगा। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 22962 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से सुबह 6:10 पर प्रस्थान करेगी और सुबह 11:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में है ट्रेन संख्या 22961 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से दोपहर 3:55 पर प्रस्थान करेगी और रात में 9:25 पर अहमदाबाद पहुँच जाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच होंगे।